मोहतरम जनाब गुलाम सईद साहब चीफ सेक्रेटरी ट्रैवल कंपनी। मेरी मासूम जी का अरदास है जी, मेरी मासूम जी का। Shortly.
their endeavor to service culture, social infrastructure, the society, literacy and literary gatherings and organization. I think they have created a very, very impressive track record, as Mr. Jasper mentioned. And I hope and pray that Infobol continues to make this impressive record and track record more firm, more solid, which has recognition not only inland, in country, but across the world. This is my very sincere prayer and wish. इसी के साथ मैं अपने हृदया जो जुबान है और मैं दबा लगाई कर रही है उससे हट के अपने कौमी जुबान की तरफ जाता हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए थे उन्होंने अपनी पॉलिसी के हवाले से और जुबान के फरोग के बारे में बात की। तफसील में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा जो उन्होंने नोटिफिकेशन में जो 2010 का वो आपके सामने पड़ा। मैं आपको और उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, वो बात ये थी कि ये हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं कि वो किसी चीज़ को या तो नर्म कर दें और या सख्त कर दें। सख्ती में सख्त हालात भी हैं और नर्मी में वो एक अच्छे और मोहब्बत और प्यार वाले जो है माहौल है वो बना रहे हैं। इन्होंने दो बातें की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंट पास्ट और ये 18वीं तकनीक जो हमारे टाइम में हुई उसके हवाले से कहा, ये जो पढ़ाई है जो तालीम है और उसमें हमें सारी चीज़ों का रिजन का बोलियों का जुबान का कल्चर का सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उनका अहाता करना चाहिए। हम जितने भी पढ़ ले जाएँ और जितने भी उधार जुबान में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें उसका इम्पैक्ट दिलों और दिमागों में इतना नहीं होता कि जितनी अपनी बोली से लोग समझते हैं और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन या दुनिया की और लैंग्वेज कोई ऐसी लैंग्वेज होती कि जिसमें कम्युनिकेट करके अपना सारा कुछ जो इधर है जो इधर है दूसरों तक पहुँचाया जा सकता तो ज़्यादातर दुनिया में कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। लेकिन आपने देखा है कि अरबी अगर हैं तो वो अपनी जुबान अरबी में बात करें। अगर चाइना में आप जाएँ और चाइना में देखें क्या क्या दूसरी चाइना के अलावा किसी दूसरी में बात करें बड़ी जो है कि रिच लैंग्वेजेस हैं और रिच लैंग्वेजेस क्यों हैं कि उन्होंने अपनी जुबान की तरफ तवज्जो दी और उसकी तरबीज और तरक्की के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बहुत काम और आज वो किसी के मोहताज नहीं उनको किसी और अल्फाज का सहारा नहीं मिला। मैं स्विच करके अपनी मादरी जुबान में बात कर रहा हूँ लेकिन आप जो देख रहे हैं कि मैं मुस्तार दे कर रहा हूँ अल्फाज या अंग्रेजी के लिए इस लॉर्ड ऑफ ईमान के लिए या अंग्रेजी के लिए तो ये हुकूमत की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अपनी जुबानों को और किसी की पहचान ए बी सी के हवाले से नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको कितने रह आया कितने चले आया जो है पिशौरी हैं ये दिल की बातें नहीं होती तो जो है मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने बड़े गौर फिक्र के बाद ये फैसले किए कि कोई एब्रप्ट या अचानक चेंज इस जुबान में लेने कि आज के हमारे सारे स्कूलों में पहले से लेकर 12वीं तक मुख्तलिफ जो जोग्राफी खितों में स्कूल क्रेडिट हैं जंगाम में तो वहाँ की लैंग्वेज का शुरू हो जाए ऐसा करना
हमारी वो जो यंग नस्ल है और जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़े एग्जाम है, उसी किस्म का पत्थर है जिस पर गुस्सा आने से पहले एक स्पीकर ने जिक्र किया, वो पत्थर उसको खेलने को बता देते हैं, तो वो पत्थर हमने नहीं खेला। और आपने देखा कि एक रोड मैप दिया गया है कि जो 2013 से लेके 2017 तक जिस पर काम होगा और फिर रफ्तार रफ्तार ये सारे ग्रीन लैंग्वेज जिस पर जिक्र किया गया और उसमें भी ऐसी नाइन टाकू लैंग्वेजेस का जिक्र होगा। इसके अलावा भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो उसके काले काल में आ जाएगी और यकीनन हमारे जो बच्चे हैं और जो कल के हमारे जो मुस्तकबिल हैं वो उनको ये कम से कम मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपने दिल की बात भी कह भी सके और उसी अंदाज को समझ भी सकें और एक हमसे बेहतर और मस्तर शायद हम। तो मैं उस हवाले से भी ये बात करूँगा, चलते चलते मैं कल्चर का भी जिक्र करता चलूँ। एक हमारे बुजुर्ग زبان کے ساتھ ساتھ جو ہماری ثقافت ہے جو ہماری تاریخ ہے وہ سونا ملے، اگر آپ اس ثقافت اور تاریخ سننا شروع کر دیں اور سب یہ ہوا ہے کہ جب ہمیں کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور اگر چلے گئے تو پھر آپ ہمارے ویسے مائنڈ ویسے ذہن میں سب آ جائے گی پورے پیسے گزرے کے حوالے سے مجھے یاد آئے کیا یہ سارا جلدا یہ جو مجلس ہے کوئی شخص کو بھول سکتی ہے بھول سکے گی کبھی؟ تو یہ ہماری قومیں اچھی قومیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یاد رکھنے والی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں یہاں میں دلیپ کمار صاحب کے گھر کے حوالے سے بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو دفتر جو ہے اس نے اس فارمائل میں وصولی فیصلہ کیا ہوئے اس کچھ قانون کی اسکیم تھی کہ کچھ اس کے نکل آئے جو تعمیرات اور کچھ ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوئے تو کچھ کا جو ہے احاطہ کرتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، لیکن وصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہیریٹیج ہے ایک شخصیت کے حوالے سے ہیریٹیج ہے اور اس کو یقیناً پرزرو کریں گے اور جانے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ دلیپ کمار ہاؤس گزرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب پشاور میں سیٹی محلے کو آپ جو ہے اس کو کمرشل ایریا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نام سید محلہ ایک ایسی ایک پیداب کی ماضی تھی کہ جو اور کہیں جس کی کوئی چیز نہیں تھی، جو ٹریڈیشنل گھر تھے اس طرح انداز تھا، یہ ایسے لوگ تھے جو اچھے مطلب مالی طور پر گزرا اچھے لوگ تھے اور ان کے پھر جو روابط تھے رشیا میں اور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، یہ بہت ساری ہسٹری اس کے لیے ہوتی ہے۔ حکومت نے چار سالوں کے دس ہزار پیش آؤ تب چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے، ہم نے بڑا سیٹی ہاؤس میں خرید کے آج تک اس کو ریٹ کر رہے ہیں تاکہ اگر باقی لوگ یا پشاور کے پاس بھی سیٹی مالا کو اگر کمرشل ایریا بنا رہے ہیں تو اس کا حکومت کو چیز پرزرو کر کے لوگوں کو بتا سکے کہ یہاں اس سے مجھ سے لوگ اور اس کے گھروں میں بھاگ رہے ہیں۔ میں جب کانفرنس کے لیے آ رہا تھا تو ایک ٹیلی ویژن چینل نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ بات کروں، تب میں نے میز پہ پڑھی چند ایک کتابیں اور چند ایک وسائل کے جو وہ دیکھے، وہ مجھ سے اس کانفرنس کے حوالے اور کتابوں کو جس کی میں جلدی جلدی ورک کر رہا تھا وہ مجھ سے بات کی اور جب میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پشاور میں اتنے عرصے سے رہتے ہیں آپ ان کو کبھی نہیں بول سکتے، تو میں نے کہا کہ کوشش کر لیتا ہوں، تو میں نے کوشش کی وہ جو اس وقت ان کو ہی کہہ سکتے اور ان کو جو ہے میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا شوری
टेल होते जाए, लेकिन इसको मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी कि ये हर एक लैंग्वेज के फिट हो जाती है, ये इसमें अपने आप को फंसा लेती है, वो एक नई लैंग्वेज बन के सामने आ चुकी है। और मैंने सोचा कि चलें बात करेंगे, तो आप जैसे मैंने कहा कि वो सब आप आजमाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के आगे मैं आपसे थोड़ा बात करूँ। हिंदू या जैसे कुछ पंजाबी या कोई कोई और जुबान का नाम दे, ये सिर्फ सूबे खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर, पंजाब और सिंध, ये दूसरे सुन के शायद हैरत होगी कि सिंध के वो इलाके जो पंजाब में मुतसर और कई जगह पर जरा उन्होंने सख के जयपुर थोड़े कहीं असर के लोग बड़ी अच्छी पंजाबी या उसको पंजाबी मैं नहीं कह सकता हूँ कोई कह सकते हो क्योंकि अमृतसर ये जुबान कम अज कम इन्होंने इलाके बोली जाती है, लेकिन असं अपने आप को सिर्फ पंजाब असं अपने पाकिस्तान के पंजाब को नहीं मशरकी पंजाब में भी शामिल कर रहे हैं कि जो और आज़ाद कश्मीर तो बहुत ज़्यादा ऐसे और बोली इस वास्ते जाती है कि इस तरह एक गहरा ताल्लुक गंदारा सिविलाइजेशन का और एक मेरा कितना भी ये इलाके में से इसे गंदारा सिविलाइजेशन का 5000 साल को कम पेश पुस्तक से जा उन्होंने ताल्लुक है और एक बहुत बड़ी तारीख है कि जरा जिली गंदारा सिविलाइजेशन आपके साथ लाइफ चल रही है और वो तारीख सब तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट अगर होती है या उसका आपके साथ होता जा सकता तो वो इनको या उसके नाम जिली जिली जुबान के हवाले कर इनको जब मैं जिक्र करना और अगर फिर मैं दोबारा गंदारा इनको बोर्ड का जिक्र मैं करना शायद जल्दी उसी गंदारा इनको बोर्ड इस जुबान के फरोह वास्ते मुख्य जी अपॉर्चुनिटी और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो खिड़की जगह रीचे खोले उस चीज के उसे ना सिर्फ लोकल जी पढ़े लिखे पेरेंट्स है उसको ना शोकेस सामने डायरेक्ट करें बल्कि रिसर्च के इसको मजीद और गदारा सिविलाइजेशन के हवाले में इसके रीजनल लिखे इसको भी जगह मैंने सही तक काम इस बोर्ड की तरफ वो यकीन काफ़ी साइज है और पुनः करना भी चाहिए क्योंकि उर्दू लैंग्वेज तर्जमा किया
ये देखो ये भी कितने बड़े काबिली भी निशानी एक जुबान थी और जुबान मैनेज कर रहे हैं इसीलिए आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ वी आर ओपन हार्टेड असम ये नहीं कि असम बस हिंदू के हवाले नाल बाकी हम सिर्फ गुफ्तगू नहीं कर रही है क्योंकि ये थोड़ी से तलफ़ ठीक नहीं है तो थोड़ी सी ये ग्रामर है ठीक नहीं है तो सभी को अपने स्टैंड में देते खुशी से प्राण के लिए इट्स वेरी पॉजिटिव और पॉजिटिव अंदाज और उन्होंने कोई अपने आप को दायरा नहीं है कि किस से कि तो असली दायरे दर्ज है संपत्ति के सारे पतन कौन और फंक्शन और ये जो ये पॉलिसी है ये मुजाकिर को जो ये राज्य कैसे दिलाए और मैं इसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सुबाई हुकूमत ना लैटिन के हवाले ना नोटिफिकेशन के हवाले ना जगह भर तो मैं भी दस हजार में सुबाई का हुकूमत की तरफ से हमें पॉलिसी है कि पूरी एक कार्य